खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। बड़वानी जिले के पलसूद थाने से बड़ी खबर सामने आई है। पुलिस मुख्यालय भोपाल के द्वारा माफियाओं के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना पलसूद द्वारा 31 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा जब्त किया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम झाड़कोला पुजारा फल्या में कमल पिता चतर सिंह बरेला ने अपने कपास के खेत के बीच में सफेद रंग की मच्छरदानी में गांजा सूखने के लिए छिपा रखा है। जल्दी जाने पर पकड़ा जा सकता है। विलम्ब होने की दशा में आरोपी के भाग जाने तथा माल को अफरा तफरी करने की संभावना है। मुखबिर से सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर एवं दिशा निर्देश प्राप्त कर मैं फोर्स के रवाना होकर बताए स्थान ग्राम पुजारा फल्या झाड़कोला पहुंचे, जहां पर एक व्यक्ति कपास के खेत में पुलिस को देखकर नीचे झुककर छिपा दिखा। उसके पास ही एक सफेद रंग की मच्छरदानी के कपड़े में गांजा जैसी वस्तु दिखी। टॉर्च की रोशनी में उक्त व्यक्ति को घेराबंदी कर पकड़ा व नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम कमल उर्फ कमला पिता चतर सिंह बारेला उम्र 35 वर्ष निवासी पुजारा फलिया झाड़कोला का होना बताया, जिससे कपड़े में रखी वस्तु के संबंध में पूछते समय का गांजा बताया। समक्ष पंचान के उपरोक्त वस्तु को सूंघ कर मसल कर एवं अनुभव के आधार पर 31 किलोग्राम गांजा कीमती करीब 1,24,000 रुपए का होना पाया गया। आरोपी कमल उर्फ कमला पिता चेतर सिंह बारेला उम्र 35 वर्ष निवासी पुजारा फल्या ग्राम झाड़खोला थाना पलसूद जिला बड़वानी का यह कृत्य धारा 8/20 NDPS एक्ट में दंडनीय अपराध होने से आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर लिया गया। वापसी पर प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया। संपूर्ण कार्यवाही में पुलिस अधीक्षक महोदय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय बड़वानी के मार्गदर्शन में पलसूद थाने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया। SDOP महोदय राजपुर के नेतृत्व में थाना प्रभारी पलसूद अनिल वर्मा, सह उपनिरीक्षक मोहम्मद अयूब शेख, सह उपनिरीक्षक सीताराम भटनागर, आरक्षक निर्मल, आरक्षक जगदीश का सराहनीय योगदान रहा। उपरोक्त सराहनीय कार्य करने वाले पुलिस अधिकारी कर्मचारियों के उत्साहवर्धन हेतु पुलिस अधीक्षक बड़वानी के द्वारा इनाम की घोषणा की गई है। अभी पूरे प्रदेश में अवैध मादक पदार्थ बेचने वालों और उनकी नशाखोरों की जो सामग्री बेचते हैं उनके विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इस संबंध में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को विश्वसनीय सूचना मिली थी कि ग्राम झाड़कोला में कुछ लोग गांजे की तस्करी कर रहे हैं। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बड़वानी के मार्गदर्शन में और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय बड़वानी के निर्देशन में थाना प्रभारी पलसूद श्री अनिल वर्मा उनकी टीम द्वारा ग्राम झाड़कोला में सर्च किया की गई। सर्च के दौरान मुखबिर से उनकी सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम झाड़कोला पुजारी फलिया का कमल उर्फ कमला बारेरा अपने खेत में अवैध रूप से गांजा बेचने के लिए रखा हुआ है। इस सूचना पर थाना पलसूद के स्टाफ द्वारा थाना प्रभारी अनिल वर्मा के निर्देशन में उनकी पूरी टीम द्वारा वहां रेड की गई। रेड के दौरान कमल उर्फ कमला बारेला को पकड़ा गया। वह अपने खेत में एक मच्छरदानी के कपड़े में मच्छरदानी की जो कपड़ा था उसमें गांजा रखा हुआ था। जिसे पूछताछ किया गया तो उसने बताया कि ये बेचने के लिए वो रखा हुआ है। गवाहों के समक्ष पंचानों के समक्ष उसके पास से 31 किलो गांजा बरामद किया गया है। उसको पकड़ के थाने लाया गया है। सर कहीं ना कहीं ये गांजे की खेती भी होती होगी फिर? हाँ, अभी प्रारंभिक पूछताछ में उससे पूछा गया कि ये गांजा उसने कहाँ से पाया, तो उसने अभी पूछताछ में यही बताया कि उसने बीज अपने खेत में डाल दिए थे जो उगाए थे, जिससे वो गांजा बेचने के लिए ले जा रहा है। खबर समय जगत के लिए पलसूद से कैमरामैन राजेश कनौजी के साथ तहसील ब्यूरो जाहरिया डुडबे की रिपोर्ट। पर समय जगत, एक संदेश पूरा देश।